चलिए के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जो यहाँ उत्तराखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज बैठेंगे धरने पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर देंगे धरना। हरीश रावत पूरे 24 घंटे तक बैठेंगे धरने पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आज दोपहर 12 बजे गांधी पार्क में धरने पर बैठेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जहां आज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री धरने पर बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का रोज जो है अब सामने आ गया है। अंकिता मर्डर हत्याकांड को लेकर जो है धरने पर वो बैठेंगे। अभी तक जो है उस मामले में सीबीआई जांच नहीं हुई है जिसके जवाब में आक्रोश बताते हुए जो है हरीश रावत आज धरने पर बैठेंगे। बताते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है सीबीआई जांच की मांग को लेकर। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना प्रदर्शन देंगे। 24 घंटे तक वो बैठे रहेंगे धरने पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। सीबीआई जांच नहीं हुई है अब तक उसको लेकर उन्होंने नया तरीका अपनाया है जिससे प्रशासन